भोपाल में नवाचार के तहत गठित सहकारी संस्थाओं के उत्पादों कार्यों संबंधी प्रदर्शनी और कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें मंत्री सारंग ने प्रदर्शनी में उत्पादों का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में झाबुआ का विश्व प्रसिद्ध कड़कनाथ आकर्षण का केंद्र रहा। भोपाल में नवाचार के तहत गठित सहकारी संस्थाओं के उत्पादों कार्यों संबंधी प्रदर्शनी और कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें मंत्री सारंग ने प्रदर्शनी में उत्पादों का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में झाबुआ का विश्व प्रसिद्ध कड़कनाथ आकर्षण का केंद्र रहा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकारी समितियों के उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा, इसके लिए फेडरेशन की स्थापना होगी। एक जिला एक उत्पाद के तहत हर जिले के प्रमुख उत्पादों के लिए सहकारी समिति बनाई जाएगी। इससे पहले खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने प्रदर्शन का उद्घाटन किया। ये लो सामने आप हमें बोलो ना क्या हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे सहकारिता मंत्री अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी सहकारिता के माध्यम से समृद्धि का नारा लेकर चले हैं। और मेरे सहकारिता मंत्री बनने के बाद हमने हर क्षेत्र में सहकारी आंदोलन को मजबूत करते हुए सहकारिता से स्वावलंबन और सहकारिता से रोजगार, इस पर जोर दिया। हमारा जो बाकी सहकारिता का आंदोलन है वो मजबूती के साथ तो चल ही रहा है, पर उसके साथ साथ हर एक क्षेत्र में वहाँ की जो खूबी है उन खूबी को रोजगार में तब्दील करके सहकारी आंदोलन, सहकारी संस्था के माध्यम से वहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके, इसकी हमने पहल की। और हमने पिछले 4-5 महीने में जो काम किया उसकी आज प्रदर्शनी हमने देखने को मिली है। जैसे झाबुआ में जब मैं गया, वहाँ पर कड़कनाथ एक ऐसा प्रजाति का मुर्गा है जिसकी पूरे देश में ख्याति है। हमने कड़कनाथ पर काम करने वाले किसानों को एकत्रित करके सहकारी संस्था बनवाई और आज वो बता रहे हैं कि उसका एक एक मेंबर 2.5 लाख रुपए साल कमा रहा है, जो पहले केवल 10-20 हज़ार रुपए साल कमाते थे। उन्होंने कहा कि पीएम सूर्या योजना को सहकारिता से जोड़ने के लिए सहकारी समिति बनेगी। कार्यशाला में सभी जिलों के नोडल अधिकारियों ने प्रशिक्षण लिया। ईएमटी न्यूज़ भोपाल।